जय सियाराम दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ये वीडियो फाइनल पार्ट है इसका। और इसका जो लास्ट पार्ट है, जितना भी पार्ट मैंने बना दिया है वो सब पार्ट आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप हर एक पार्ट को। तो ज़रूर विजिट करना और लास्ट तक बने रहना अगर आप इसका जो है शेडिंग ब्लेंडिंग ट्यूटोरियल देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो। तो इस पार्ट में जो है मैं ज़्यादा डिटेलिंग और शेडिंग इतना नहीं करूँगा। मैंने जो है पहले जो मैंने जितना सेटिंग डिटेलिंग किया था उससे बहुत कम ही करूँगा इस पार्ट में। और ये तो फाइनल पार्ट ही है, तो इसमें जो है दो तीन चार लेयर करूँगा, उसके बाद आर्टवर्क हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और यहाँ कैसे देखना है, जो जहाँ जहाँ पर आपको डार्क दिखता है उस जगह पर आपको जो है डार्क कलर अप्लाई करना है। जैसे कि मैं ऑरेंज कलर अप्लाई कर रहा हूँ, उसके बाद इसके ऊपर जो है डार्क है, इस तरह से आपको लेयर वाइज ही करना है। तब जो है हमारा इसके जो है थोड़ा रियलिस्टिक दिखता है, इसका लुक जो है रियलिस्टिक होता है। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। और कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लास्ट तक वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और कोई नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आर्टवर्क ड्रॉ करो वो भी अपना राय बता सकते हो। जरूर आपका राय देखूँगा, आपका राय अगर अच्छा हो तो आपका स्केच जो आपने कहा उसका राय ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। या फिर आप जो भी हो, आप जो है अपना राय जरूर भेजना आप नेक्स्ट क्या ड्रॉ करो। और हमारा जो है आर्ट कमीशन का रिजल्ट मैंने और ऑर्गेनाइज कर दिया है। अगर आप बहुत देर से वीडियो को देख रहे हो तो आप लोगों के लिए नहीं है, जो अभी जो इस वीडियो का अपलोड करने के बाद लगभग दो तीन दिन के अंदर देख रहे हैं उन लोगों के लिए है। तो आर्ट कमीशन मैंने रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया है, और नेक्स्ट आर्ट कमीशन भी मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। तो उस आर्ट कमीशन में अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो जीतने का आशा छोड़कर जितना हो सके मेहनत अच्छा से अच्छा अपना 100% देने का जो है एम वो रखो, तब जो है आप जीतो या ना जीतो आपका स्किल इम्प्रूव तो होगा ही। और हमें कभी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए किसी भी फील्ड में। डिमोटिवेट तो हो तो जाता है, पर हमें जितना हो सके कोशिश करना है कि डिमोटिवेट ना हो। और ज़्यादा आशा भी नहीं लगाना चाहिए कि हम ही जीतेंगे, हमारा आर्ट होगा तो अच्छा है। यहाँ पर आप अपने नज़रिए से देख रहे हो अपने आर्ट को, पर जैसे हो सकता है आपकी नज़र से नहीं देख रहे हैं, वो अलग किसी अलग जो है मीडिया तरीके से देख रहे हैं। इस तरह से जो है हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है, और मेरे साथ वैसे बहुत बार हो चुका है। मैंने भी बहुत सारे आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, ऐसे मैं भी कहूँ तो मेरे से भी काफ़ी जो है अगर मतलब इतना अच्छा नहीं है जो आर्ट वर्क, वो भी विनर बन चुके हैं। तो उसमें अगर मैं देखूँ कि मेरा अच्छा है तो ऐसा नहीं होगा, मुझे देखना होगा उन्होंने ऐसा क्या किया जो उनका आर्टवर्क फंस होगा, वो देखो। तो इस बारे पर इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय सियाराम।